दोस्तों ये बात तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि आज बॉलीवुड में हर अभिनेता किसी न किसी अभिनेत्री के साथ लव रिलेशनशिप के बाद फ्रॉड के लिए सुर्खियों में है। और ठीक कुछ ऐसा ही हाल अब साउथ इंडस्ट्री के सितारों का हो चुका है, जो अपने को स्टार्स के साथ प्रेम संबंधों के दौरान उन्हें धोखा दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि साउथ इंडस्ट्री के अभिनेता अभिनेत्रियों ने जहां एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने के बाद सिर्फ धोखा दिया, भाई कुछ के पार्टनर ने उन पर दिल तोड़ने का संगीन इल्जाम लगाया है, जिसके बाद तो सितारे काफी लाइमलाइट में बने रहे थे दिल तोड़ने का इल्जाम लगने के बाद। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साउथ इंडस्ट्री के किन किन सितारों पर लग चुका है दिल तोड़ने का इल्जाम। नंबर वन, तमन्ना भाटिया और विराट कोहली। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली के पीछे ना जाने विदेश से लेकर देश भर की कितनी लड़कियां उनसे शादी करने के लिए पगला सी गई थी, मगर साउथ इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने विराट कोहली का दिल कांच की तरह तोड़ दिया था। जी हाँ, वो एक्ट्रेस है साउथ इंडस्ट्री की दूध से भी गोरी अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, जिनके साथ ये कई सालों पहले एड में काम कर चुके थे और इनके एड में काम करते करते इनके बीच में नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी, जिसके बाद ये एक दूसरे को डेट करने लगे थे। पर तमन्ना बहुत ही जल्द विराट कोहली से बोर हो गई, जिसके चलते इन्होंने विराट कोहली का दिल तोड़कर अपना रास्ता नाप लिया था। नंबर टू, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना। अगर साउथ की फिल्मों में दर्शकों ने जिस जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया है तो वो जोड़ी है विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की, जो साथ में फिल्म डियर कॉमरेड और गीता गोविंदम से इंडियन ऑडियंस के बीच में बहुत मशहूर हो चुके हैं। हालांकि इन दोनों ही फिल्म में काम करने के दौरान इन दोनों का एक दूसरे पर दिल आ गया था, मगर जैसा कि आपको पता ही है कि साउथ इंडस्ट्री भी अब बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री की तरह हो गया है, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताते हैं और बाद में धोखा देकर चलता बनता है। और कुछ ऐसा ही अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने भी विजय देवरकोंडा के साथ किया, जहां रश्मिका जैसे ही अपने अगले प्रोजेक्ट में बिजी हुई वैसे ही इन्होंने विजय को प्यार में धोखा देकर उनका दिल तोड़ दिया। नंबर थ्री, अनुपमा परमेश्वरम और राम पोथिनेनी। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरम की जोड़ी मोस्ट हैंडसम एक्टर राम पोथिनेनी के साथ खूब जस्ती है, जहाँ पर ऑडियंस को इन दोनों की फिल्म दमदार खिलाड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो इस फिल्म को बार बार देखना पसंद करते हैं और इन दोनों को भी अपनी जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। वहीं हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, राम पोथिनेनी ने पहली बार अनुपमा से अपने दिल की बात कही थी कि वो इनसे प्यार करते हैं और उनके साथ घर बसाना चाहते हैं, मगर अनुपमा ने उनके साथ कुछ समय डेटिंग सेटिंग तो की, मगर अनुपमा को राम कुछ खास पसंद नहीं आए, क्योंकि राम तकरीबन अनुपमा से 10 साल बड़े हैं और 10 साल बड़े एक्टर से ये कैसे शादी कर सकती हैं। नंबर फोर, प्रभास और अनुष्का शेट्टी। ये बात तो हर कोई जानता है कि साउथ के दमदार अभिनेता प्रभास किस कदर अनुष्का शेट्टी के प्यार में एक समय में पागल हुआ करते थे, लेकिन आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि खुद ही प्रभास ने जिस अनुष्का को अपना दिल दिया था, इन्होंने ही अनुष्का का दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया, क्योंकि अनुष्का बहुत जल्द इनसे शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। मगर प्रभास को तो सलमान खान की तरह इंडस्ट्री में सिंगल और बैचलर ही रहना है, तभी इन्होंने अनुष्का का दिल बहुत बेरहमी से तोड़ दिया था, जिसके बाद इन पर उनका दिल तोड़ने का संगीन आरोप लगा था। तो दोस्तों, आपको इन सभी सुपरहिट जोड़ी में से कौन सी जोड़ी सबसे स्टाइलिश लगती है, आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।